नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान जीके का एक और बेहतरीन टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पर होने वाला है। नदियाँ, झीलें, एनीकट और बांधों से संबंधित हम लोग आज कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आपका सेट का एग्ज़ाम हो या रीट का एग्ज़ाम हो, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। रात को 9 बजे ये आपकी क्लास होती है। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको ये क्लास अपलोड करके दे रहा हूँ, लेकिन कल से आपको रात्रि की क्लास लाइव मिलेगी, ठीक है। और परीक्षा में ये प्रश्न दोस्तों जरूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो जो सिलेक्टिव टॉपिक है, जो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वही हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, कल से मैंने आपको बताया रात्रि 9 बजे तो लाइव क्लास मिल ही जाएगी आप सभी को। कल से रात्रि को 9 बजे क्लास लाइव रहेगी, लेकिन कल से सुबह 9 बजे भी आपके लिए क्लास होगी जो रहेगी हूबहू पेपर वाली। वो भी आपको दोस्तों ज्वाइन होना है। आपको प्रीमियर लाइव सुबह की क्लास देने की कोशिश करूंगा। आप सभी से निवेदन रहेगा, आप इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करेंगे, है ना। और सेट दोस्तों बात करें 10+2 परीक्षा पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। बस आप सभी से निवेदन है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं 10+2 लेवल के लिए। और ये टोटली आपको 25 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। अभी तक 5 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं 10+2 के। आपने नहीं देखे हैं तो निःशुल्क राजस्थान क्लासेज गूगल पर जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेज, तो आपको ईजीली ये मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदी है ना दोस्तों, वो है आपकी गग्गर नदी, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। बापणी या बामणी, बापणी वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, इन आप सभी का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, चंबल नदी की सहायक नदी है बामणी, है ना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ मैं। और अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? देखिए दोस्तों, कवास या कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? रोहिली नदी, लूनी नदी, खासी नदी या जवाई नदी? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था? लूनी नदी से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनास, एरू और चाप किस नदी की सहायक नदियाँ? तो ये सारी की सारी बनास की सहायक नदियाँ या माही की? आप कहेंगे सर ये माही की सहायक नदियाँ, यानी ऑप्शन सी आपका सही कथन होगा। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? तो याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वरूप सागर झील इसके अंतर्गत नहीं आती, ओके। महिलाबाग का झालरा किसके पास में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये महिलाबाग का झालरा जो है ना, ये जोधपुर में है। और अगर जोधपुर में है तो सी और डी में से कोई होगा। बोले सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, गुलाब सागर झील जो कि जोधपुर में है, ठीक है ना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जो घंटाघर के पास में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए, लूनी की सहायक नदी पार्वती पहला ही असुमिलित है दोस्तों। काली सिंध की आहू सही है, बनास की कोठारी सही है, चंबल की मेज सही है, लेकिन लूनी की सहायक नदी नहीं है पार्वती, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी इनमें से कौन सी जो है चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों, चंबल की सहायक नदी जवाई नहीं है, जवाई लूनी की सहायक नदी है, याद रखना, ठीक है। कौन सी चंबल की सहायक नदी, सॉरी, इनमें से कौन सी नदी, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? ओके, सॉरी। तो देखो, जवाई भी नहीं है, माई भी नहीं है, जाखम भी नहीं है, काली सिंध हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ये शानदार सवाल था अगर आपने सही से मेरी तरफ पढ़ा है तो। और अगला सवाल देखिए, नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सागी नदी हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है?
सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है वो है बनास नदी दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर सही कथन होगा। और अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ। देखो, चंबल का राजस्थान से नहीं है, पश्चिमी का राजस्थान से है, माही का राजस्थान से नहीं है, साबरमती राजस्थान से है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों कहेंगे ये कि राजस्थान से नहीं है उद्गम, इसका उद्गम राजस्थान से नहीं है, है ना, ऑप्शन सी को लॉक कराया आपने। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, गंभीरी है, पार्वती है, काली सिंध और परवन, इसका इन नदी समूह का उद्गम राजस्थान में नहीं है। अगला सवाल पूछा जा रहा है आप सभी से कि भाई निम्नलिखित में से बेमेल युग्म नदी और उसकी सहायक नदी को पहचाना। बनास की सहायक नदी मैनाल है, क्या सही है? बिल्कुल है। पार्वती की सहायक नदी मोरेन गलत है। लूणी की सागी सही है। साबरमती की वाकल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप सभी का सही है, जो बेमेल है यहाँ पे, है ना दोस्तों, आपने ऑप्शन सी को चुना है और हर एक सवाल का आपको आंसर मिलेगा दोस्तों, बस आप आखिर तक जुड़े रहिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, काली सिंध नदी, झालावाड़ और बारा, क्या ये सही है? हाँ सर ये तो सही है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी टोंक और भीलवाड़ा में बहती है, क्या ये सही है? नहीं सर ये गलत है, ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब, सुमेलित नहीं, यही सुमेलित नहीं है। मेज सही है, कोटारी भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है। निम्नलिखित में से लवणीय गर्त कौन सा नहीं है, डिडवाना लवणीय है, कायला ना, देखो लवणीय नहीं है, है ना, ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लवणीय गर्त नहीं है ऐसा पूछा है ना, तो बिल्कुल कायला ना हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, गलता जयपुर में है, जुहिल झील है, गड़ीसर झील गलत है, जोधपुर में है ना, ये देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, गड़ीसर। गड़ीसर दोस्तों कहाँ पर है, गड़ीसर जैसलमेर में, हालांकि आपका सवाल भी आ जाएगा आगे भी। बंद बैठा भरतपुर सही है, तालाब शाही धौलपुर सही है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का देखो, कोटा बैराज, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर। क्या कह रहा है, चंबल नदी पर बने हुए बांधों में से राजस्थान में स्थित है। देखो कोटा भी राजस्थान में है, ये भी है अपना जवाहर सागर भी और अपना राणा प्रताप सागर, ए बी और एस, हाँ ए बी और डी होगा यहाँ पे राइट आंसर, है ना, ए बी और डी, है ना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। नदी नहीं है, ऐसे में आपको याद रखना है सोम है, अनास है, चाप है, लेकिन जोजड़ी नहीं है, जोजड़ी तो आपके लूणी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवातंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी अपवातंत्र की नदियों में शामिल नहीं है, तो लूणी की बात करें दोस्तों, तो लूणी आपकी कैसी नदी है, बोले सर लूणी कच्छ के रन में जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही कथन होगा। अब अगला सवाल है कि राजस्थान मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, आपका आंसर आएगा दोस्तों जयसमंद। अब जयसमंद कौन से जिले में है ये तो आपको ही बताना होगा, इतना आसान सा सवाल है, इजी सा सवाल है, नंबर 21 सवाल है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लूणी नदी की सहायक नदी सागी है, काली सिंध की निवास गलत है, सॉरी सहायक सुमेलित नहीं है ना, काली सिंध की निवास बिल्कुल सही है, ये भी माई की आऊ, ये दोस्तों क्या सही लग रहा है आपको, सर ये गलत लग रहा है, माई की आऊ नहीं है, आऊ जो है ना ये काली सिंध की हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों अभी अभी, है ना, और बनास की खारी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सी नदी सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती। देखो रूपनगढ़ गिराती है, खंडेला गिराती है ना, और बाकी हम बात करें तो कांतली भी गिराती है ना सर, कांतली नहीं गिराती क्योंकि कांतली शेखावटी क्षेत्र में, बिल्कुल बात तो सही है,
तो यहाँ पे ये तीनों नदियाँ गिराती है, लेकिन ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ये जल नहीं गिराती, कांतली वाली वहाँ पर नहीं जाती सांबर में, ठीक है। कौन सा सुमिलित नहीं है? देखो, बनास, बाणगंगा, बेड़च और कांतली, जैसे उद्गम स्थल दे रखा है। बनास कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती, बाणगंगा विराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती, बेड़च, बेड़च दोस्तों ये आपका यहाँ पर गलत है, मुकुंद्रा की पहाड़ियाँ, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन जब बेड़च की बात करी जाए तो आपका सवाल भी आगे आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर भाग क्या कहलाते हैं? हालांकि बिलाड़ा जोधपुर का है, डेगाना नागौर का है, तो ये आपके लूनी बेसिन के क्षेत्र कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान की प्रसिद्ध खारे पानी की झील है? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, लगभग 9% अकेला जो है राजस्थान अकेला, या फिर हम कह सकते हैं भारत के, संपूर्ण भारत का अकेला 9% जो नमक का उत्पादन ये झील करके देती है ना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित तो नहीं होती है? देखो, अजमेर में कौन सी प्रवाहित नहीं होती? बनास तो होती है सर, इसमें राइट आंसर होगा सर ऑप्शन सी, मानसी यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती, बाकी सारी होती है, डाई, खारी, है ना, बनास वगैरह सब। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? इनमें से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सबका हो जाएगा सुमेरपुर, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सुमेरपुर को लॉक करेंगे, है ना। अगला सवाल देखो, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही है? तो ये आपका राइट आंसर होगा सांभर झील दोस्तों। कौन सा होगा? सांभर, और सांभर कहाँ पर है? जयपुर में है सांभर झील, और नमक उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रथम है। नकी झील कहाँ स्थित है? इससे आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, नकी झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों माउंट आबू में स्थित है नक्की झील, और कहा जाता है कि देवताओं ने इसकी खुदाई अपने नाखूनों से करी थी। और अगला सवाल है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, कागदी पिकअप क्या है दोस्तों? ये एक बांध है, और ये जल ग्रहण करता है किससे? गांधी सागर बांध से या माई बजाज सागर बांध से? आपका राइट आंसर ये होगा सर, माई बजाज सागर बांध से, यानी ऑप्शन बी को सत्य के साथ जोड़ेंगे। अगला सवाल है कि भीम सागर स्थित है श्री गंगानगर में, अलवर में, कोटा में, झालावाड़ में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है? देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध है? तो कहीं ना कहीं बनास हो जाएगा, और बीसलपुर बांध है कहाँ पर? ये बांध आपके पाली में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? पाली में पड़ता है, पाली कहाँ नाम आ रहा है, टोंक में है आपका बीसलपुर बांध, कहाँ पर है? टोंक में, ठीक है। और अगला सवाल, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, मैंने आपको बताया भी है अभी, और ये सवाल आ रहे हैं, है ना, जो प्रश्नों में आपको जो डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं ना, वो सवाल बनकर आ रहे हैं आपके सामने। तो लूणी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा? जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा इनमें से कौन सा बांध है? तो वो है कोटा बैराज बांध। अगला सवाल देखिए, नंबर 35 में आपको क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती, तो ये काकनी नदी जो है ना दोस्तों, ये जैसलमेर में प्रवाहित होती है। बाकी ढूंढ है, बाण गंगा, मोरेल है, ये पूर्वी मैदान में जरूर जाती है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला सवाल कहा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? कौन सी, जिसे द्रव्यवती नदी भी कहते हैं, और द्रव्यवती नदी दोस्तों जिसे हम कहते हैं ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सबका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो कौन कौन बताएंगे सर, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। देखो, द्रव्यवती नदी जो है ना, ये अलग नदी है, चर्मवती वो अलग है, ये द्रव्यवती अलग है, तो जयपुर में है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? चंबल बेसिन में सर्वाधिक, धौलपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ मिलते हैं। श्यामपुरा और भाट नहर निकलती है, श्यामपुरा तथा भाट नहर कहाँ से निकलती, कौन सी नदी से निकलती है? तो दोस्तों ये याद रखना, जयसमंद झील से निकलती, यानी ऑप्शन डी आपका सही कथन होगा।
अगला सवाल है कि आना सागर स्थित है, यानी आना सागर क्या है दोस्तों? आना सागर एक झील है और ये कहाँ पर स्थित है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो आना सागर आपके अजमेर में है। अगला सवाल नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल भी आपसे पूछा गया था कि निम्नांकित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, जो बालसन का उदाहरण है वो है आपका सांबर झील, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सत्य कथन होगा। और खड़ीन आखिर नंबर 42 में पूछा ही जा रहा है कि खड़ीन क्या है? तो खड़ीन एक आपके जल संरक्षण तकनीकी का प्रकार है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सत्य कथन होगा। दोस्तों अगला सवाल है, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो रंगाई चपाई उद्योग, यानी ऑप्शन बी आपका सत्य कथन होगा, है ना? लॉक कर दें ऑप्शन बी को? हाँ सर, करना ही पड़ेगा। कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, बनास की सहायक नदी कोठारी है, लूणी की सागी है, काली सिंध की आऊ है, माई की वाकल नहीं है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही हो जाएगा। वाकल साबरमती के है ना। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सही जवाब आप सभी का होना चाहिए, बांकली बांध का पूछा जा रहा है, तो सुकड़ी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका सत्य कथन होगा। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। नंबर 46 का दृश्यद्वती होगा, लूणी होगा, साबरमती होगा, बनास होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा अगर आप क्लास को देख पा रहे हैं तो, है ना। और आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं तो ज़रूर करिएगा, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर देखो सेट की कर रहे हैं तो बेहतर आप सभी के लिए किया जा रहा है हमारी तरफ से, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब आपको डेली सुबह 9 बजे भी क्लास रहेगी, आपका अगर सहयोग रहा तो एक क्लास और कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वापस पुनः सुबह 9 बजे और रात्रि को 9 बजे, ये दो क्लास तो आपके लिए कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। अब आपसे निवेदन है बस आप क्लास को शेयर किया करें। और दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊं, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को एज इट इज़ मिले हैं हमारी क्लासेस से, सेट एग्ज़ाम में, वन रक्षक एग्ज़ाम में, इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड में भी मिले, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मॉर्निंग 9 बजे की क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, इसका जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।